शिष्य हूँ। हमारी संस्था है स्काई ट्यूटोरियल, जो कि इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी करती है। ये संस्था कभी नगर दुर्गापुर वाराणसी चलती है, पिछले 15 साल से चल रही है। इसके जो फाउंडर हैं मिस्टर पंकज मौर्य सर हैं, जो कि जौनपुर के रहने वाले हैं और स्वयं केमिस्ट्री के फैकल्टी हैं। बात की जाए इस इंस्टीट्यूट में जो प्रोडक्ट स्वाल फिफ्टी हमारी संस्था बैच चलाती है, जिसमें 50 बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट में हमारी संस्था एजुकेशन स्प्रॉडिंग और फूडिंग्स देती है। इसके दो राउंड में एग्जाम होते हैं। जो फर्स्ट राउंड का एग्जाम होता है वो अभी आप लोग के बीच में होगा। देन जो सेकेंड राउंड का एग्जाम होता है वो हमारे हेड ऑफिस के कंडक्ट होता है, जिसमें पूरे पूर्वांचल के बच्चे आते हैं एग्जाम देने के लिए, जिसमें 50 बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है। उन्हीं 50 बच्चों को एजुकेशन स्लॉटिंग्स और फूडिंग्स हमारी संस्था बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में देती है। देन जो अभी आप लोग एग्जाम देंगे, इसे देन इस बेनिफिट्स क्या हैं आप लोगों को, इसी आप लोग एग्जाम देंगे, देन आप लोग उनसे बच्चे फर्स्ट सेकेंड थर्ड आते हैं, उनके लिए मेडल्स और सर्टिफिकेट्स होते हैं। देन हमारी संस्था आपको 60% तक आपको स्कॉलरशिप देती है। ठीक है, सर्टिफिकेट हमसे हो चुका होता है, जैसे सर्टिफिकेट्स अगर आप लेके हमारी संस्था बुक करते तो आपको 60% तक आपको उसमें स्कॉलरशिप मिल जाता है। हमारे स्टूडेंट्स अपनी फैकल्टीज हैं, सबके सब एडिशन प्लस मेडिकल्स हैं। देन हमारे स्टूडेंट का जो इस साल का रिजल्ट रहा है, जो बच्चे नीट में सिलेक्शन लिए हैं 50+ बच्चों को सिलेक्शन रहा है। देन IITs में 48 बच्चों को सिलेक्शन रहा है। देन 75% बच्चे क्वालिफाइड किए हैं JEE मेंस से JEE एडवांस के लिए। JEE मेंस और JEE एडवांस सेमेस्टर में आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं, चलिए हम बताते हैं। जैसी बात है, अगर हमें IIT कॉलेज क्रैक अगर निकालना है, अगर IIT निकालना है तो पहले JEE मेंस क्रैक करना होता है, JEE एडवांस क्रैक करना होता है। ठीक, अगर MBBS डॉक्टर बनना है तो उसके लिए सिर्फ हमें एक एग्ज़ाम क्रैक करना होता है और नीट का। नीट का प्रोग्राम सिर्फ जानते हैं, नीट का जो प्रोग्राम होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम्यूनिटी टेस्ट होता है, और IIT प्रोग्राम होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अभी आप लोगों को क्वेश्चन पेपर से MR दिया जाएगा। वो MR फिर सही बच्चे अपना नेम, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, फादर्स नेम, फादर्स कॉन्टैक्ट नंबर, देन क्लास, देन उसके बाद उसमें ऑप्शन दिया गया स्कूल नेम। स्कूल नेम की जगह आप लोग उसी का नाम फिलअप करेंगे। दैट्स ओके। सही बच्चे का OMR फुलफिल होना चाहिए विदाउट OMR। ठीक है, कंप्राइज कॉपी चेक होती है आपकी OMR। ठीक है, उसमें कॉपी चेक नहीं हो पाएगी। देन कॉपी चेक नहीं हो पाएगी तो आप लोग को रिजल्ट नहीं आ पाएगा। इसके बाद जो यहाँ रिजल्ट आएगा उसका बोलेंगे सर हमने आपको कॉपी दिया था, हमारा रिजल्ट नहीं आया। ये समस्या।